बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, गुड़िया ने की अंबर की दावत। सो फ्रेंड, यहाँ पर गुड़िया शॉपिंग कर रही हैं अंबर की ग्रैंड दावत के लिए। और ऑब्वियसली अंबर की शादी हुई है और अब जो क्लोज रिलेटिव हैं वो सबसे पहले करेंगे अंबर की दावत। यहाँ पर चौथी के बाद अब सब लोग हो गए फ्री। फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ, गुड़िया ने की शॉपिंग और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें ली जिसकी उसने करनी है अपनी बहन के लिए दावत घर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी इमीडिएट ज़रूरत हो, जो कि गेस्ट जब घर में आए। मगर यहाँ पर कुछ सिचुएशन हो गई चेंज। यहाँ पर तो शॉपिंग की जा रही है अपने घर की। सो फ्रेंड, लोगों ने ये कहा कि जब शॉपिंग होनी चाहिए सिर्फ ग्रॉसरी की, जिसकी ज़रूरत होती है जबकि दावत हो किसी गेस्ट की। मगर यहाँ पर उलट हो गया। यहाँ पर शॉपिंग करने वाली लेडी चली गई क्रॉकरी ख़रीदने और चली गई वो वॉल क्लॉक लेने। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत से कमेंट्स आए और लोगों ने कहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसी सिचुएशन क्यों चेंज हो गई, क्या इंसान के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा होता है कि वो एक्स्ट्रा शॉपिंग करे और अपनी मंजिल पे से हट के दूसरी मंजिल पर चलने लगे। फ्रेंड, यहाँ पर कुछ बातें होंगी क्लियर, कुछ पॉइंट्स होंगे क्लियर, हुआ क्या। अब यहाँ पर गुड़िया ने ये देखा कि उसको अपनी बहन को इनवाइट करना है। फ्रेंड, बहन का इशू कुछ भी नहीं है, बहन अभी का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है और जानती तो वो शाहजेब को भी बहुत पहले से हैं एज अ फैमिली रिलेशनशिप। मगर शाहजेब से जो रिश्ता हुआ है अंबर का वो बिल्कुल नया है। बीइंग एन एल्डर सिस्टर, यहाँ पर गुड़िया को हर तरह से अपना इमेज रखना है अपने बहनोई के आगे बहुत अच्छा। पर अंबर बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल है और यहाँ पर गुड़िया का और अंबर के और फैमिली मेम्बर्स का जितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उतना ही अच्छा अंबर के लिए होगा। और फ्रेंड, ये सिर्फ अंबर की स्टोरी नहीं है, ये हर घर की स्टोरी है जहाँ पर लड़की की फैमिली जो है बहुत अच्छे नज़र आने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, डेफिनेटली लड़के वाले इतना ज़्यादा नहीं डरते क्योंकि लड़की आ चुकी है उनके घर में। अच्छा फ्रेंड, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, गुड़िया गई थी नो डाउट सिर्फ अंबर की शॉपिंग करने, यानी कि वो ग्रॉसरी लेने गई थी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। अब डेफिनेटली इंसान जब जा रहा है ग्रॉसरी लेने, उसी टाइम उसको ये ख्याल आता है कि जब हम खाना अच्छा रखेंगे तो घर में सराउंडिंग में अगर किसी चीज़ की कमी है या फिर सराउंडिंग बेटर हो सकती है गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, तो फिर वो भी क्यों ना ले ली जाए। तो डेफिनेटली वॉल क्लॉक की तो ज़रूरत इनको ऑलरेडी थी, क्योंकि घर में वॉल क्लॉक ना हो तो बड़ी नहुसत सी लगती है, या फिर वॉल क्लॉक अगर ख़राब भी हो तो फौरन उसको सही कराओ या फिर न्यू वॉल क्लॉक लो, क्योंकि टाइम है बहुत ज़रूरी। फ्रेंड, यहाँ पर जब गुड़िया जाती हैं ग्रॉसरी लेने तो यहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ जाती है कप्स देखने की, हुआ है कप से, प्लेट से, यानी कि हर तरीके की जो है उसमें क्रॉकरी है। मगर सारी लेडीज़ का यही है कि वो जब जाती हैं तो अपनी पसंद से कुछ ना कुछ चीज़ लेती हैं। तो यहाँ पर गुड़िया ने जो कप्स पसंद किए थे वो नो डाउट बहुत खूबसूरत थे, मगर वो किसी बड़ी शॉप से नहीं लिए गए थे। और यहाँ पे मैं यही बोलूँ कि कोई हेजिटेट करने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि अगर आप बड़ी शॉप पे नहीं गए। मैं इस चीज़ को एनकरेज करूँगी कि हम बड़ी बड़ी दुकानों पे जाके चीज़ें लेते हैं, इस वजह से जो बेचारे छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स वाले होते हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, वो बेचारे महरूम रह जाते हैं। सो फ्रेंड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखना ये चाहिए कि हमें क्वालिटी अगर ठेले पे या स्टॉल्स पे भी अच्छी मिल रही है तो आप वहाँ से भी बाय करें, क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो लोग जो चीज़ें बेचते हैं वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेते हैं अपनी शॉप का रेंट पे करने के लिए या उसके एक्सपेंस निकालने के लिए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर गुड़िया ने जो कप्स लिए हैं वो बड़े डिसेंट हैं, मुझे बड़े प्यारे लगे वो। डेफिनेटली जब आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, छोटे हों या मिडिल एज के हों, मगर वो आपका एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर गुड़िया के लिए और शाहजेब के लिए जो गिफ्ट लिए हैं वो ना भी लेते तो कोई वर्थ नहीं है, लेकिन चलिए ले लिया सो इट्स ओके। मगर ये लड़की वालों पे थोड़ा सा बर्डन है, बट अगर आप अपने दिल से लेते हो और आप एफोर्ड कर सकते हो
तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर गुड़िया जब गई चीज़ें लेने के लिए, और जब वो उन्होंने डेफिनेटली उनको कुछ क्रॉकरी चाहिए थी, जब उन्होंने क्रॉकरी ली, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली जिनमें शोपीस भी थे, वो चीज़ें लेने के बाद गुड़िया का फेस एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा जो है ना परेशान हो गया था। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर अगर हम कोई 100 रुपये की चीज़ लेने जाएँ तो 100 की चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर हम 500 की चीज़ लेने जाएँ तो वो हमें 1500 या 2000 से कम की नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप क्वालिटी देखें तो क्वालिटी किसी भी तरीके से ऐसी नहीं होती कि इंसान लेने के बाद खुश हो, और यही सिचुएशन यहाँ पे हमें गुड़िया के फेस एक्सप्रेशन से दिख रही थी। फ्रेंड ये मैं आपको बताऊँ कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गुड़िया ने जो है डेकोरेशन पीस क्यों लिए और इतनी एक्सपेंस क्यों किया उसने। देखें हर कोई अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली वो अपनी रेंज में रह के खूबसूरत बनाना चाहता है। यहाँ पर गुड़िया ने नो डाउट शॉपिंग की, उसने चीज़ें ली और माशाल्लाह से उसकी गाड़ी भर गई चीज़ों से, मगर वो तमाम चीज़ें अगर आप देखा जाए तो एक रेंज में थी, क्योंकि गुड़िया कोई बहुत बड़े एक्सपेंसिव मॉल में नहीं गई थी। एक मिडिल क्लास के हमारे आपके और मेरे जैसे जहाँ से शॉपिंग करते हैं उस तरीके की जगह से उसने शॉपिंग की। हम ये समझते हैं कि यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगर है, तो पता नहीं इसकी इनकम मिलियन में होगी, बट फ्रेंड ऐसा नहीं है। जब इंसान के साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो पैसा जो आता है वो काफ़ी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा फ्रेंड यहाँ पर गुड़िया ने जो जो ग्रॉसरी ली है अंबर की दावत के लिए, वो ग्रॉसरी आप देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें बनाएंगी। डेफिनेटली उनकी बहन की जो है दावत है, पूरी कोशिश होगी गुड़िया की यहाँ पे कि अच्छी से अच्छी जो है मैं दावत करूँ। डेफिनेटली जब ग्रैंड दावत है तो हर तरीके से अच्छी चीज़ें बनाएगी, मगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुड़िया जाएगी किसी 5-स्टार होटल में दावत करेगी अंबर की, बट फ्रेंड ऐसा नहीं है। जैसे शबाना आंटी अपनी रेंज में रहते हुए सारा काम एक लिमिटेड बजट में या लो बजट में करती हैं, आप देखें गुड़िया भी अपना सारा काम इसी तरीके से लो बजट में कर लेती है। इसी एग्जाम्पल वहाँ मिलती है जहाँ पर गुड़िया ने ढोलकी की थी अंबर की, और वहाँ पर उसने सारी चीज़ों को किया था डेकोरेट खुद से। सो फ्रेंड यहाँ पे ग्रॉसरी तो हो चुकी है, मगर अब हम वेटेड है देखने के लिए कि गुड़िया क्या बनाती हैं अंबर की दावत में, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेशल डिश होगी जो कि शाहजेब के लिए स्पेशली बनाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गुड़िया जब इतनी सारी चीज़ें ले रही है और शॉपिंग भी कर रही है घर के लिए, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ इनोवेटिव सी डिश बनेगी जो कि इसने पहले कभी किसी की दावत में नहीं बनाई। फ्रेंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।